हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिक्शनरी। आज हम इनडायरेक्ट टैक्स का लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक बैगेज के लिए। ये जो टॉपिक होगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसके ज़्यादा सम्स आपके पास पेपर्स में आएंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है बैगेज स्टोर्स एंड इंपोर्ट बाय पोस्ट। अभी ये क्या है टॉपिक का नाम समझो, बैगेज स्टोर्स एंड इंपोर्ट बाय पोस्ट। हो सकता है कि मेरा कोई दोस्त इंडिया के बाहर घूमने गया है, मैंने उससे कुछ सामान मंगाया। हो सकता है मेरा कोई रिलेटिव बाहर रहता है, मैंने उसका तू सामान भेज दे भाई। यहाँ पे पर्सनल यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रीसेल नहीं। इसके पहले वैल्यूएशन जो टॉपिक पढ़ा आपने, या ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ा, या टाइप्स ऑफ ड्यूटीज पढ़ा, इसके अंदर क्या हो रहा था, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही थी। कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ये सब चीज़ें चल रही थी। बट अभी बैगेज की बात चल रही है। अगर मैं बाहर गया हूँ और बाहर से इंडिया में आ रहा हूँ, बराबर है, या मैं बाहर रहता था इंडिया में आया हूँ, या तो मैं बाहर का हूँ इंडिया में रहता था फिर बाहर चला गया वापस इंडिया में घूमने के लिए आ गया, ऐसे बहुत अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी कोई भी सामान आपके साथ कैरी करते हो, लगेज, लगेज को बैगेज वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। समझ में आ गया क्या? दैट इज द टर्म बैगेज इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म विच मीन्स लगेज ऑफ अ पैसेंजर accompanied or unaccompanied and comprise of trunk for bags and the personal belongings of the passenger. It is not limited to the meaning of bona fide baggage or defined in the clause 3 of the tourist baggage rule 1958. क्या बोला है? It is not limited to the meaning of bona fide baggage. Bona fide मतलब specified baggage. जिसको clear अपन कैसा है, कुछ कुछ baggage अपन अपने हाथ में carry करते, check कर लेते, तो वो check हो गया, bona fide हो गया, उसको certificate मिल गया है। बट बैगेज का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें आप है ना, फॉर एग्जाम्पल, बस जब नॉर्मली आप जब फ्लाइट से जाओगे तो आपको एक लिमिट दिया जाता आपके हाथ में बैगेज कैरी करने का। जैसे ट्रेन में गए, ए चल सर पे भी रखते, हाथ पे भी रहे, कुली जैसा अपन सामान लेके चल गए। आप एक आदमी 10-10 बैगेज लेके चल गया, कोई देखने ही नहीं गया, उसे सीट के नीचे भर दिया है, भाई मेरा सीट है मैं पूरा भरेगा, वो भर देता है, बराबर है कि नहीं? स्लीपर क्लास के अंदर जाओगे तो ऐसा होता है, एसी में जाओगे तो ऐसा होता है, बट क्या फ्लाइट में ऐसा कर सकते क्या अपन? नहीं। तो फ्लाइट में एक लिमिटेड कैरी करने का कैपेसिटी होता है, बाकी सब उनके लगेज रूम में जाता है, बराबर है। तो इधर उसने वही कहा गया कि जो भी आपका लगेज है, अकम्पनीड और अनअकम्पनीड, अकम्पनीड मतलब आपके साथ, अनअकम्पनीड मतलब आपके साथ नहीं है बट वो लगेज कंपार्टमेंट में जाने वाला है, इस सब चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बैगेज कहते हैं। समझ में आया क्या? इस टॉपिक में क्या करना है, इस टॉपिक में खाली आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना सामान इंपोर्ट कर सकते हो, कितना सामान बाहर से ला सकते हो, जिसके पर गवर्नमेंट आपको एक लिमिटेशन देगा, भाई इतना लाओगे तो हम टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा लाओगे तो आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। समझ में आया क्या? अब क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहला बात किया गया है रेट का, तो रेट ऑफ बैगेज के ऊपर कितना चार्ज किया गया है, 35% प्लस SWS कितना है, 10%, 35 का 10% कितना आएगा, 3.5। इन शॉर्ट अगर आप बैगेज कैरी कर रहे हो तो बैगेज पे ड्यूटी कितना पड़ने वाला है, 38.5। कैसे है 38.5? 35% रेट है, 35% का 10% 3.5, तो 3.5 प्लस 35 कर लो कितना आएगा, 38.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? रेट ऑफ ड्यूटी एंड टेरिफ वैल्यूएशन एप्लीकेशन एप्लीकेबल टू द बैगेज। रेट ऑफ ड्यूटी एंड टेरिफ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कितना है, तो 35% प्लस 3.5 मतलब 38.5% है। बट अगर, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, अगर आप इस टाइप के गुड्स को लाते हो तो इधर बैगेज का रेट एप्लीकेबल नहीं है। रेट ऑफ ड्यूटी ऑन अ बैगेज इज 35%, एड वोल्गर मतलब SWS, दिस रेट ऑफ ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल। ये रेट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप कोई बंदूक कैरी कर रहे हो, फायर आर्म्स, बंदूक, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म, गोलियां, बंदूक, गोलियां, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50 गोलियां आप कैरी करो चलेगा, 50 से ज्यादा अगर गोलियां आप कैरी कर रहे हो तो उसके पर ये रेट एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आया? आपको 50 गोलियां कैरी करने का अनुमति दी गई है लेकिन बंदूक कैरी करने की अनुमति नहीं दी गई है, मतलब परमिशन,
ठीक है, बंदूक कैरी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी गोली आप कैरी कर सकते हो, कितना? less than 50, ठीक है, गोली हाँ, फेंक फेंक के मारेंगे ना अपन, गोलियों से मार सकते बोलता है, ठीक है, ओके, आगे दिया है, सिगरेट सिगार्स और तंबाकू इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी। अभी एक्सेस इन क्वांटिटी क्या है आगे मैं आपको बता दूंगा, एक लिमिट दिया है कि सिगरेट आप इतना ही कैरी कर सकते हो, सिगार आप इतना ही कैरी कर सकते हो, तंबाकू आप इतने लिमिट में ही कैरी कर सकते हो, ये सब आपको आगे की इसमें मैं स्लाइड्स में बता दूंगा, बराबर है। अगर ये कैरी कर रहे हो फॉर इम्पोर्टेशन फ्री ऑफ ड्यूटी अंडर द रेलिवेंट ऑफ बैगेज रूल, मतलब रूल यही है 35% प्लस 3.5%, 38.5% आपका टैक्स होगा, बट ये सारी चीज़ें अगर आप कैरी कर रहे हो तो उसके ऊपर बैगेज का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स आपको वो लेके नहीं जाने मिलेगा, मतलब उसका टैक्स ही नहीं आएगा, सिंपल भाषा वही है, ठीक है क्या? आगे ड्यूटी एग्जम्पशन, किसके ऊपर आपको एग्जम्पशन है, मतलब किसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है। फर्स्ट, एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ द पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ द क्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सेड ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट इट इज सेटिस्फाइड दैट इट हैज बीन इन हिज यूज फॉर सच मिनिमम पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल। अगर वो पर्सनल इफेक्ट के लिए है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए, तो क्या उसके ऊपर बैगेज रूल एप्लीकेबल होगा? नहीं, पर्सनल इफेक्ट वाला गुड्स होगा, पर्सनल यूज का होगा, भाई मेरा पर्सनल कपड़ा है उसके अंदर, मेरा पर्सनल लैपटॉप है, मेरा पर्सनल सामान है, तो उसके ऊपर बैगेज रूल एप्लीकेबल नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा है, एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ द पैसेंजर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट इट इज फॉर द यूज ऑफ द पैसेंजर और हिज फैमिली और इज बोनाफाइड गिफ्ट और अ सोवीनियर, वेरी इंपॉर्टेंट, सोवीनियर, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ ईच इन द आर्टिकल एंड द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल सच आर्टिकल डज नॉट एक्सीड द सच लिमिट मे बी स्पेसिफाइड। मतलब अगर और मेरा पर्सनल के अलावा मैं कुछ और कैरी कर रहा हूँ मेरे बैगेज के अंदर, जैसे वो गिफ्ट के लिए हो सकता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए हो सकता है, या मेरे कोई आसपास के रिलेटिव्स के लिए हो सकता है, तो अगर मैं वो सब चीज़ें कैरी कर रहा हूँ तो उसके ऊपर भी उसने क्या बोला है, आपको ये बैगेज का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए, अगर लिमिट से ज़्यादा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, समझ में आया? फिर आगे क्या दिया है, द लॉ इन्वेंशन ऑफ टू कैटेगरीज, हाँ इसके दो कैटेगरीज है, पहला है बैगेज नेमली बिलोंग्स टू, क्या पैसेंजर के लिए है क्या मेंबर्स ऑफ द क्रू के लिए, मतलब जो भी बैगेज है वो दो कैटेगरीज में, पैसेंजर एंड क्रू, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पैसेंजर का है क्या क्रू, जो यहाँ पे मैंने बताया जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज ऑन अलाउंस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, पैसेंजर के लिए। अब पैसेंजर के तीन कैटेगरीज है, 1, 2 एंड 3, ये 1, 2, 3 नहीं, ये रूल नंबर है 3, 3, 4, इधर 1, 2, 3 नहीं लिखना है, कैटेगरीज नहीं है, ये है कैटेगरीज, तीन कैटेगरी, एक्चुअल में चार है शायद से, होगा कि नहीं मालूम नहीं, तीन ही कैटेगरीज दिया, तीन कैटेगरीज दिया, जिसमें पहला क्या है मैंने देख लेता हूँ, चार कैटेगरीज है, तीन है, तीन ही कैटेगरीज है, वेरी गुड। पहला कैटेगरी क्या है, इंडियन रेसिडेंट और फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, मतलब इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, वेरी गुड, इंडियन रेसिडेंट है, क्लास ऑफ पैसेंजर जो बैगेज कैरी कर रहा है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडियन रेसिडेंट है और फॉरेनर रेसिडिंग इन इंडिया, कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रेसिड कर रहा है और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, टूरिस्ट ऑफ इंडियन मतलब वो बंदा बाहर रहता था, इंडिया के बाहर रहता है बट वो इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया में घूमने के लिए आया है, एक्सक्लूडिंग इन्फेंट मतलब बच्चे को छोड़ के, भाई बच्चा बाहर बॉर्न हुआ है 1 साल 2 साल का, इन्फेंट के अंदर 2 ईयर्स आएगा, 2 साल से ज़्यादा हो गया तो इन्फेंट नहीं है, less than 2 ईयर्स है तो उसे आप छोटा बच्चा कहोगे, उसे आप ये कैटेगरी में ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है। अगर कोई भी बंदा, चाहे वो इंडियन रेसिडेंट हो चाहे वो फॉरेनर हो, है फॉरेनर बट वो रहता किधर है, इंडिया में रहता है, या तो कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा इंडिया में घूमने के लिए आया है, तो अगर इस कैटेगरी का वो पैसेंजर है और वो बंदा नेपाल भूटान और म्यांमार को छोड़ के कोई भी दूसरे देश से इंडिया में घूमने आया है, एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, इसको हम लोग कहते हैं NBM, NBM या BMN लिखो तो भी चलेगा, BMN भूटान म्यांमार नेपाल या NBM, आपको याद करने के लिए, ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है,
एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान और म्यांमार के अलावा कोई भी कंट्री से इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है तो सामान कैरी करेगा। अगर वो सामान कैरी करेगा तो गवर्नमेंट ने उसको एक अलाउंस दिया गया है। अगर पर्सनल इफेक्ट का है तो आपको हम लोग कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोविनियर्स। सर ये सोविनियर्स क्या होता है? सोविनियर मतलब यादगार चीज़ें, जो उधर का स्पेशल है जो आपने कैरी किया आपके साथ, तो उसके ऊपर या पर्सनल इफेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करेगा। बाकी कुछ भी आप लाओ एंड आर्टिकल अप टू वैल्यू ₹50,000 एक्सक्लूडिंग आर्टिकल मेंशन इन एनेक्सर वन, एनेक्सर वन छोड़ के अगर कोई भी आप आर्टिकल कैरी कर रहे हो, कुछ भी आप सामान ला रहे हो, तो आपको 50,000 तक का लिमिट दिया गया है। आप 50,000 तक का सामान कैरी करो, आपको कोई भी मतलब टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर कैरी करते हो तो आपको बैगेज का ड्यूटी पे करना पड़ेगा। समझा क्या? इफ कैरीड ऑन द पर्सन इफेक्ट बैगेज पैसेंजर, क्लियर है? मतलब कोई इंडियन ओरिजिन का है, बाहर रहता था इंडिया में घूमने के लिए, कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रहता है लेकिन फॉरेन गया था, वापस फॉरेन से घूम के इंडिया में आ रहा है, या इंडियन ओरिजिन का बाहर सेटल था इंडिया में घूमने के लिए आया, नेपाल भूटान और म्यांमार को छोड़ के कोई भी कंट्री से आ रहा है इंडिया में, तो पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोविनियर के ऊपर टैक्स नहीं है। बाकी सबके ऊपर टैक्स है, लेकिन उसका लिमिट कितना है? 50,000 तक लाएगा तो टैक्स नहीं, 50,000 से ज़्यादा लाएगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर है? उसके अलावा अगर एनेक्सर वन वाला कुछ भी गुड्स ला रहा है तो उसके ऊपर तो 100% टैक्स है। इट इज़ एक्सक्लूडेड गुड्स, एक्सक्लूडेड गुड्स के ऊपर आपको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है? एनेक्सर वन टू थ्री में आपको भैट करवाने वाला, डोंट वरी फॉर दैट, ओके है? सेकेंड टाइप के पैसेंजर है टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इनफैक्ट। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, फॉरेन का बंदा है बट वो इंडिया में सेटल हो गया है, मतलब उसके खानदानी सब फॉरेन में रहते थे बट बेचारा को इंडिया अच्छा लगा तो कभी माँ बाप को मिलने गया, वापस इंडिया में आने वाला है, तो वहाँ से यहाँ आ रहा है ना, खाली वो नेपाल भूटान और म्यांमार को छोड़ के कोई भी कंट्री से इंडिया में आ रहा है, तो उसके लिए भी पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोविनियर एक्सक्लूडेड है। बट यहाँ पे उसको लिमिट कितना गया है? सिर्फ 15,000। इंडियन ओरिजिन को 50 और फॉरेनर को कितना दिया है? 15,000। ये फ़र्क खाली समझना है आपको, 50,000 इंडियन के लिए, 15,000 किसके लिए है? तो फॉरेनर के लिए, एक्सक्लूडिंग एनेक्सर वन है, क्लियर? तीसरा कैटेगरी क्या है? इंडियन रेसिडिंग सेम, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया सेम, टूरिस्ट इनफैक्ट, बट यहाँ पे आ गया नेपाल से आ रहा है, भूटान से आ रहा है या म्यांमार से आ रहा है। दो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी ऊपर वाला है बट ये कंट्री से आ रहा है, फॉरेनर के लिए नहीं है ये कैटेगरी। पर्सनल इफेक्ट सोविनियर नहीं है, आर्टिकल कितना है? 15,000। एनेक्सर वन वाला एक्सक्लूडेड है। समझ में आ गया हाँ या नहीं? पक्का? चलिए लास्ट नेक्स्ट देखते। एक एग्जाम्पल दिया है 20 अगस्त 2018 को मिस्टर ब्रेटली अ टूरिस्ट ऑफ चाइनीज, चाइना मतलब कोरोना वाला, वहाँ से वो आ रहा है, केम टू इंडिया एलोंग विथ उसकी वाइफ चिंगली, बेटी ब्रूसली, एज 2 साल। अरे ये तो इन्फेंट हो गई, बराबर है? चलिए पर्सनल इफेक्ट के लिए उसने खुद के लिए, चिंगली के लिए, ब्रूसली के लिए सामान लाया, अरे दिया है ऐसा नाम तो मैं क्या करूँ। 50,000 खुद का पर्सनल इफेक्ट, वाइफ का 60,000, ब्रूसली उसकी बेटी के लिए 30,000। ये तो पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल इफेक्ट पर टैक्स आएगा क्या? नहीं। लैपटॉप लाया 40,000 ईच, मतलब खुद के लिए और वाइफ के लिए लैपटॉप लिया उसने बाहर से। 3 बॉटल वाइन का लाया है, 1-1 लीटर ईच, टोटल 6,000 रुपये का लाया है। डिजिटल कैमरा लाया है और मोबाइल फ़ोन लाया है। पूछा गया क्या है? पूछा गया है कि भाई इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा वो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, पर्सनल इफेक्ट के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, तो मैंने इधर 3 कैटेगरी बनाया, ब्रेटली, चिंगली, ब्रूसली। भाई पर्सनल इफेक्ट 50,000 के ऊपर टैक्स आएगा क्या? एग्जाम 60,000 पे एग्जाम, 30,000 पे एग्जाम, तो ये पहले 3 तो एग्जाम्ड है। उसके बाद लैपटॉप लाया है 40,000 रुपये का ईच, 1-1 लैपटॉप तुम्हारा पर्सनल तुम कैरी कर सकते हो, उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। एग्जाम एग्जाम 2 साल का बच्चा थोड़ी लैपटॉप चलाता है, तो है ही नहीं, बराबर है? उसके बाद दिया है 3 बॉटल वाइन का लाया है 1 लीटर ईच, 1-1 बंदे को 2 लीटर कैरी करने का परमिशन है। नया रूल 5 है, आपके लिए 2 ही का है। तो अगर 3 बॉटल है मतलब 3 लीटर कैरी किया है, तो अगर मैं बोलता भाई मेरे लिए 2 लीटर ले, तेरे लिए 1 लीटर, तो क्या मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे आया भाई 2 बॉटल तुम्हारा रेट चार्ज होगा,
बराबर है। अब इसका वैल्यू इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमको क्या बोला गया, पर्सनल इफेक्ट तो एग्जम्प्ट है, बट दूसरा कुछ भी लाओगे हम उसका वैल्यू लेंगे। टोटल वैल्यू लेने के बाद आपको 50,000 का एग्जम्पशन देंगे। अगर आप इस केस में 5 लीटर कैरी करते तो कैलकुलेशन में कितना लाया जाता, सिर्फ 2-2 लीटर का, बाकी का पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने पास रख लेता, क्योंकि आपका लिमिट कितना है 2 लीटर, तो 2 लीटर ही कैलकुलेशन में लिया जाएगा, 3 लीटर नहीं लिया जाएगा। सर इधर तो 3 लिया, अरे इसकी वाइफ है ना, तो दोनों के लिए कितना लीटर आएगा, 4 लीटर। 4 लीटर से ज़्यादा कैरी कर सकते हैं क्या, नहीं। तो 4 लीटर का अगर 5 लीटर होता तो कैलकुलेशन में कितना लिया जाता, 4 लीटर। 1 लीटर को इग्नोर मारते हैं आप। अच्छा बच्चे को 2 साल को अपन पिलाएंगे ना वाइन, लाइव क्या सोचेंगे, बच्चे को वाइन पिला रहे बचपन से। तो 2 बॉटल 4,000, और इसके लिए 1 बॉटल 2,000 का ले लिया, क्योंकि 3,000 का बॉटल है ना, अरे 3 बॉटल है 6,000, मतलब 2-2 हज़ार का ईच हो गया, क्लियर हो गया। फिर भाई साहब ने डिजिटल कैमरा लाया 11,000, इसके लिए ले लिया, इसके लिए ईच तो बोला नहीं, किसी एक में डाल दो, बराबर है। फिर मोबाइल फोन लाया कितने का, 20, इसके इसमें डाल दिया। फिर इधर नहीं डाल सकते, अरे डाल दो इधर, इससे कैमरा लिया, इसको मोबाइल दे दिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है, और कुछ है क्या, नहीं। हमने टोटल किया 4,000 11,000, टोटल कितना हो गया भाई, 4 और 15,000, 2,000 20,000, टोटल कितना हो गया 22,000। 22 प्लस 15 करो टोटल कितना आ रहा है, 22,000 प्लस 15,000 करो 37,000 आ रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है आप गुड्स कैरी करो, नेपाल भूटान से तो आए नहीं हो, तो आपको कितना हम देंगे। कौन है ये बंदा, फॉरेनर है, कौन है ये बंदा, फॉरेनर है, इंडिया में विजिट कर रहा है, तो इसको लिमिट कितना गया, सिर्फ 15,000 का। अब जब मैंने इसको लिमिट 15,000 का दिया है, इसका मतलब है टोटल गुड्स कितने का इंपोर्ट किया, 37,000, हाँ या नहीं। माइनस कितना होगा, 15,000, कितना आएगा 22,000, तो 22,000 के ऊपर 38.5% कैलकुलेट करो, 8,470, कितना, 8,470, 7,000 ही दिखाया गया लोग ने। अच्छा एक मिनट रुको ना, हाँ नहीं मेरी गलती, मैं बताता हूँ ना, दो बंदे लोग हैं ना, इसका 15,000 इसका 15,000 हो ना, इसको तो पूरा 15,000, मतलब इन शॉर्ट 37,500, मैं बोला क्या कर दिया मैंने, 37,500, 37,500 भी नहीं, माइनस 30,000। अब 30,000 क्यों किया मैंने, 15,000 इसका 15,000 इसका ना दोनों का, तो टोटल कितना हो गया 7,000। अब 7,000 पे एट द रेट कितना, 38.5%, 2,695 आ जाएगा, समझ में आ गया। अरे समझा, दोनों का केस समझ में आया, अगर तुमने इसको पूरा दिखा दे रहे थे और उसको दिखा दे तो बात एक ही होता, टैक्स उतना ही आ जाता, क्लियर है। पहला सम समझा, बैगेज का सम क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। मिसेस ए अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका एज है 40 साल, केम टू इंडिया अलॉन्ग विथ हर बेबी एज 2 साल, 40 साल की उम्र है जिसका 2 साल का बच्चा भी है, ठीक है। आगे शी कैरिड हर विथ हर फॉलोइंग गुड्स, पर्सनल इफेक्ट गुड्स लाइक क्लोथ ऑफ मिसेज ए वैल्यू 40,000, यूज फॉर पर्सन फॉर इन्फेंट का 70,000। भाई पर्सनल इफेक्ट काउंट किया जाता है क्या, नहीं। आगे दिया है लैपटॉप पर्सनल इफेक्ट के लिए लिया है, फिर ट्रैवल सोवीनर लिया गया है, ट्रैवल सोवीनर हमेशा एग्जम्प्ट होता है आकाश। 1 लीटर वाइन का बॉटल भी लाया है इसने, मोबाइल लाया है, डिजिटल कैमरा लाया है, सिगार लाया है 20, वॉट इज द कस्टम ड्यूटी पेबल। चलिए ठीक है, इस कैटेगरी के देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, आ जा भाई। ओके सबसे पहला पर्सनल इफेक्ट 40,000 एग्जम्प्ट, उसके बाद पर्सनल इफेक्ट इन्फेंट के लिए एग्जम्प्ट, बराबर है। फिर उसके बाद लैपटॉप लिया है, लैपटॉप भी पर्सनल के लिए एग्जम्प्ट ही होता है, तो ये तीनों चीज़ हमने एग्जम्प्ट ले लिया। ट्रैवल सोविनर एग्जम्प्ट होता है, तो आप देख लो आप लोग क्या क्या एग्जम्प्ट हो गया भाई। तो सबसे पहला ये जो अपना 40,000 था, ये एग्जम्प्ट लैपटॉप और ये सब चीज़ एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया ही नहीं जाएगा। उसके बाद इस बंदे ने 1 लीटर वाइन लिया है 10,000, 2 लीटर अलाउड है ना, तो 10,000 को दिखाना पड़ेगा भाई, टैक्स तो भरने का तेरे को, बात समझा। उसके बाद मोबाइल, हाँ भाई मोबाइल तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल कैमरा लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। उसके बाद सिगार 20, सिगार 25 तक अलाउड है, 25 सिगार कैरी कर सकते हो। इस बंदे ने कितना कैरी किया है, 20, देखो
इधर लिमिट दिया। अब ये सर आपको कैसे मालूम पड़ा, आपको मैं बताऊंगा, मैं भूल दिया ना, मैं बताऊंगा मतलब बताऊंगा। सिगार अप टू 25 नॉस कैन बी अकोमोडेटेड इन जीएफए, मतलब आपका जो कैलकुलेशन होगा उसके अंदर आप कितना अलाउ कर सकते हो, 25 अलाउ कर सकते हो। इसने 20 कैरी किया है तो 20 पूरा टैक्सेबल आएगा, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है, और कुछ भी नहीं है। अब इन सबको ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट कितना है, 89,000। ए एक इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन इंडिया में आता तो कितना लिमिट है, 50,000। तो 89,000 में 50,000 का एग्जम्पशन क्लेम किया जाएगा, 39,000। और 39,000 पे कितना परसेंट चार्ज करोगे, 38.5%। बात समझ में आ गया, क्लियर है, अभी समझा बैगेज। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब महिला मंडल के लिए है, जरा ध्यान देना। ज्वेलरी अलाउंस, ज्वेलरी अलाउंस कब, क्यों, किस लिए, समझ लो, उसके बाद इसके बारे में आगे का कैलकुलेशन आएगा। दैट इज क्लास ऑफ पैसेंजर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास ऑफ पैसेंजर के अंदर पैसेंजर रिसाइडिंग एब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो फॉरेनर है, इंडियन है, कौन है वो नहीं बोला गया है, क्या बोला है, कोई भी पैसेंजर इंडिया में आ रहा है ज्वेलरी लेके और वो इंडिया के बाहर 1 साल से ज्यादा रहा है फिर वो इंडिया में आ रहा है तो ये ज्वेलरी का एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। वो अभी 6 महीना पहले गया था वापस रिटर्न आ गया, 2 महीना पहले गया था वापस ज्वेलरी लेके आ गया, इस केस के अंदर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, मोर देन 1 ईयर इंडिया के बाहर रहना चाहिए और फिर वो इंडिया में ज्वेलरी लेके आएगा तो गवर्नमेंट उसको एग्जम्पशन क्लेम करने देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर वो एक जेंटलमैन है, बोले तो लड़का है, बोले तो बॉय है, समझ में आया। इस केस में ज्वेलरी अप टू कितना अलाउड है, वेट ऑफ 20 ग्राम और कैप वैल्यू कितना, 50, या तो 20 ग्राम या तो 50,000, मतलब मैक्सिमम 20 ग्राम और उसका वैल्यू कितना हो सकता है, 50, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब 20 ग्राम का वैल्यू कितना होना चाहिए, 50, समझा। लेडी पैसेंजर, नो इज्जत, लेडी पैसेंजर के लिए क्या बोला गया है, ज्वेलरी अप टू 40 ग्राम एंड इसका कैप वैल्यू कितना है, 1 लाख, या तो 40 ग्राम या तो 1 लाख, समझ में आया क्या, मतलब मैक्सिमम क्लेम 1 लाख का कर सकते हैं या 40 ग्राम का कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ओके है जी, पक्का। लेकिन पैसेंजर 1 साल से ज़्यादा बाहर रहना चाहिए तो ही, अगर वो विदिन 6 मंथ रिफंड हो गया और वो आया तो जितना ज्वेलरी आ रहा है पूरा टैक्सेबल है, ठीक है, वैसे भी टैक्सेबल है लेकिन इधर उसको क्लेम करने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे उसको क्लेम करने नहीं मिलने वाला है। बात क्लियर है क्या, पक्का। चलिए बढ़ेंगे आगे, कंप्यूट द ड्यूटी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वेलरी इंडिपेंडेंट केस फॉर मोर देन 1 ईयर के केस में, मिस्टर एम, मिस्टर एन, मिस्टर ओ, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर, सब मिस्टर है क्या, करेक्शन है मेरे को लग रहा है, देखो जरा, सब मिस्टर है, ये मिसेज है ना, मिसेज 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 मिसेज, बराबर है, ऊपर सब मिस्टर है, इधर सब मिसेज है। चलिए देखते क्या है, मिस्टर एम यहाँ पे क्लियर बोला है, जानवी, कंप्यूट द ड्यूटी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ज्वेलरी इन इंडिपेंडेंट केसेस स्टे पीरियड मोर देन 1 ईयर। ये लोग 1 साल से ज़्यादा इंडिया के बाहर रहे, इंडिया में आए, हाँ, और सोना चांदी लेके आए, चांदी नहीं सोना, इस भाई साहब ने कितना ग्राम, 18 ग्राम, कौन है, जेंटलमैन है, 18 ग्राम कैरी कर रहा है जिसका वैल्यू कितना है, 52,000। 18 ग्राम मतलब 20 तो अलाउड है बट कीमत तो 52 हो गया ना, तो बाय डिफॉल्ट कितना अलाउड है, 50 ही अलाउड है, तो 2,000 ज़्यादा लाया है तो 2,000 के ऊपर इसको ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो 2,000 पे कितना पे करना पड़ेगा, 38.5, कितना आया, 770। कैलकुलेट करके चेक कर लो, आपको समझ में आ ही जाएगा, क्लियर है क्या, बात समझा आपको। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, एन 22 ग्राम कैलकुलेट कर रहा है और उसका वैल्यू कितना है, 44,000, कीमत तो कम है लेकिन लाया ज़्यादा है, बराबर है, तो हमको अलाउड कितना है, 20 ग्राम ही है, तो अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 22 ग्राम का वैल्यू अगर 44,000 है तो मुझे 20 ग्राम ही अलाउड है, तो 20 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40,000, तो 20 ग्राम का वैल्यू कितना है, 20 ग्राम का वैल्यू 40,000 है, इसने कितना लाया, 44, मतलब 4,000 ज़्यादा लाया है, तो 4,000 के ऊपर कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा, 38.5, 4,000 के ऊपर चार्ज किया, ओ जेंटलमैन है,
20 ग्राम 50, सर जी 20 ग्राम भी है 50 भी है, मतलब नो ड्यूटी, समझा? फिर पी जेंटलमैन है, 25 ग्राम 75,000, 20 ग्राम ही अलाउड है और 50,000 तक ही अलाउड है, तो हम इधर क्या लिखेंगे? अगर 25 ग्राम का वैल्यू 75,000 है तो 20 ग्राम का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 50,000 आएगा, मतलब 75 में 50 ही अलाउड है, तो 25 ज़्यादा लाया ना, अरे समझा? तो ये 25,000 पे कितना परसेंट? 38.5%, अंडरस्टूड? ठीक है, आगे लेडी पैसेंजर आ गई, ठीक है, लेडी पैसेंजर कितना ला रही है? 39, 40 अलाउड है, 1,12,000, अरे भाई 1,00,000 तक ही अलाउड है, 12,500 तूने ज़्यादा लाई है, तो 12,500 के ऊपर मैं टैक्स चार्ज करूँगा तेरे से, समझा? लेडी फिर से आ गई, 45, 90, सर 40 ग्राम से ज़्यादा ला रही है, तो 45 का वैल्यू अगर 90 है, 45 का वैल्यू अगर 90,000 है, तो मुझे तो 40 ग्राम अलाउड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कीमत आता है 80,000 रुपये, अरे समझा? 90 लाया है, 80 अलाउड है, मतलब 10,000 ज़्यादा लाया ना, तो 10,000 के ऊपर 38.5, मतलब 3850, अरे समझा? मिसेज एस वापस है यहाँ पे आ गए, 45 ग्राम, यहाँ पे करेक्शन लग रहा है मेरे को, बराबर है, चलो 45 ग्राम का वैल्यू कितना है? 1,12,500, अलाउड कितना है? 40 ही है, तो 45 का वैल्यू 1,12,500, 40 का कितना? तो 40 का 1,00,000 आ रहा है, 1,00,000 ही अलाउड था, 1,12,000 है, तो 12,500 के ऊपर कैलकुलेट कर लिया, समझाइए? यहाँ पे आते 50 ग्राम ज़्यादा लाया है, 1,50,000 ग्राम का 1,50,000 है, तो अपने को कितना अलाउड है? 40 ही है ना, 40 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसका कीमत आता है 1,00,000, ठीक है, 1,50,000 है, मतलब 50,000 ज़्यादा लाया, तो 50,000 के ऊपर 38.5%, क्लियर हो गया पक्का? तो दिस वॉज ओनली इफ अ पैसेंजर इज फॉर मोर देन 1 ईयर एंड देन कम टू इंडिया विद द ज्वेलरी, याद रहेगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस का मतलब क्या हुआ? कि भाई इंडिया में रह रहा है या इंडिया के बाहर चला गया फिर इंडिया में आया, तो इधर हो गया रेसिडेंस का ट्रांसफर हुआ, इस केस में क्या है? ड्यूरेशन ऑफ स्टे देखा जाएगा कि आप कितने महीने कितने साल बाहर रहे थे और उसके हिसाब से आप कितना सामान इंडिया में ला रहे हो। जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे एब्रॉड, आप इंडिया के बाहर कितने महीने के लिए थे, कितने साल के लिए थे? मोर देन 3 मंथ्स और अप टू 6 मंथ्स, 3 से 6 महीने के बीच में बाहर गए फिर इंडिया में आए, 3 महीने से ज़्यादा और 6 महीने से कम आप इंडिया के बाहर रहे एंड देन आप इंडिया में आ रहे हो, तो पर्सनल इफेक्ट तो वैसे भी नॉन टैक्सेबल होता है, सोविनियर वैसे भी नहीं है, बट इधर ज्वेलरी का एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, पर्सनल एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल अदर देन दोस मेंशन इन एनेक्शर 1 एंड एनेक्शर 2 बट इंक्लूडिंग आर्टिकल मेंशन इन एनेक्शर 3 अप टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 60,000, मतलब अगर आप 3 से 6 महीने के बीच में हो तो आपको कितना ड्यूटी अलाउड है? 60,000 रुपये तक अलाउड है, 60,000 रुपीस, क्योंकि आपका कंडीशन आप इंडियन पैसेंजर हो, समझ में आ गया? 6 महीना 1 साल के अंदर है तो पर्सनल इफेक्ट का वैसे ही है, एनेक्शर यहाँ पे कितने का ड्यूटी मिलेगा? 1,00,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा, प्लस इंडियन पैसेंजर का 50,000 अलग, 15,000 अलग, वो जो मैंने अभी इसके पहले पढ़ा है ना, 50,000 का, 1,00,000 का और सॉरी 15,000, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्लियर है? चलिए ठीक है। मिनिमम स्टे ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, दो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर आप 1 साल से ज़्यादा रहते हो, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर क्या 2021-22, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या हो गया, तो उसके पिछले 2 साल के अंदर अगर 1 साल तक भी कम से कम इंडिया के बाहर रहते हो तो आपको कितने का वैल्यू डिडक्शन मिलेगा? 2,00,000 का मिलेगा, क्लियर है? हाँ जी पक्का है। और एक कैटेगरी है इसके अंदर शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, यस और एक कैटेगरी था इधर लिखा नहीं, हाँ यहाँ पे मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स और मोर, अगर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से 2 साल से ज़्यादा अगर आप इंडिया में रहते हो तो 5,00,000 का क्लेम आप कर सकते हो, क्लियर है पक्का? ये याद रखना, बाकी इसके अंदर बैगेज तो खत्म होता है। एक क्वेश्चन लिया मैंने, मिस्टर राहुल एन इंडियन रेजिडेंट एंड एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन
who was engaged in the profession in UK for 9 months. 3 to 6, 6 to 1 year. बराबर है, 6 से 1 साल के कैटेगरी में कितना 1 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है अगर वो इंडिया में आता है तो. ब्रॉट विथ हिम ऑन 10th April 2018 द फॉलोइंग यूज्ड आइटम ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया. भाई क्या क्या लेके आया जरा चेक कर लेता हूँ. ये देखो इतना सब चीज़ें लाया है. पर्सनल इफेक्ट का सामान लाया है, डिजिटल वीडियो डिस्प्लेयर लाया है, एसी लाया है, म्यूजिक सिस्टम लाया है, माइक्रोवेव ऑन है, फैक्स मशीन लाया है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जिसका कैपेसिटी 250 लीटर का है, ज्वेलरी लाया 1800 ग्राम का. बराबर है, 9 महीने में रिफंड आया है, आ रहा है, मतलब भाई ज्वेलरी तो पूरा टैक्सेबल होगा. पर्सनल इफेक्ट तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होता, तो पर्सनल इफेक्ट तो पूरा नहीं. डिजिटल वीडियो प्लेयर टैक्सेबल वैल्यू है 5000. एसी टैक्सेबल है, म्यूजिक सिस्टम टैक्सेबल है, माइक्रोवेव ओवन टैक्सेबल है, फैक्ट मशीन टैक्सेबल है, रेफ्रिजरेटर टैक्सेबल है, ज्वेलरी भी टैक्सेबल है. सबका टोटल निकाला मैंने, कितना आया 3,80,000 प्लस गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 प्लस 1 लाख क्योंकि ये एग्जम्पशन रूल है यहाँ पे, तो इसको 1.5 लाख का एग्जम्पशन मिला. कितना है 2,30,000. 50,000 कौन सा रूल नंबर 3 और ये रूल नंबर 6 का डिडक्शन, दोनों क्लेम हो गया. 1.5 लाख का डिडक्शन देने के बाद इसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा 2,30,000 के ऊपर 38.5%. समझा सम पक्का. चलिए देखते और एक सम. अच्छा मैंने 2 टाइप के पैसेंजर बताया था, एक था पैसेंजर जो अभी मैंने करवाया, अभी क्रू मेंबर्स के लिए. अगर कोई क्रू मेंबर्स है और वो क्रू मेंबर्स है मतलब भाई वो तो कहीं ना कहीं फ्लाइट पे ही रहेगा और वो भी कुछ ना कुछ सामान तो कैरी करेगा, भाई घर के लिए कुछ ले लेता हूँ, पर्सनल के लिए कुछ ले लेता हूँ. तो क्रू मेंबर्स का कंडीशन कुछ अलग है, इसको रूल नंबर 9 में लिखा गया है. दिस बैगेज रूल आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द मेंबर्स ऑफ द क्रू एंगेज इन द फॉरेन गोइंग कन्वीनियंस फॉर इम्पोर्टेशन ऑफ देयर बैगेज. भाई सिंपल, इतना सा भाषा नहीं पढ़ूंगा मैं यहाँ पे, सिंपल पढ़ लूंगा. However, the crew members of the vessel and aircraft will be allowed to bring items like chocolates, cheese, cosmetics and other petty gifts items for their personal or family use for a value not exceeding 1500 rupees. अगर तुम 1500 से ज़्यादा का अगर सामान लेके आ रहे हो ना इसमें से, आपको कस्टम ड्यूटी यानी कि बैगेज ड्यूटी पे करना पड़ेगा. क्रू मेंबर्स को कितना अमाउंट दिया गया 1500. जैसे अपने को कितना था 50,000, 15,000, फिर अपने लिए अलग अलग 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का कंडीशन था. इधर ये लोग के लिए कितना है सिर्फ 1500 रुपये का. समझ में आया क्या? पक्का. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट. आ जाता हूँ एनेक्शर 1, एनेक्शर 2 एंड एनेक्शर 3 के ऊपर. व्हाट इज एनेक्शर 1? एनेक्शर 1 वो गुड्स होते हैं जो आप कैरी नहीं कर सकते हो, जो गुड्स आप कैरी कर नहीं सकते आपके साथ उसे आप एनेक्शर 1 कहते हो. एनेक्शर 1 में क्या क्या है? फायर आर्म्स आप कैरी नहीं कर सकते बैगेज में, बंदूक, कार्ट्रिजेस गोली, कितना 50,000 से ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते. 50,000 कैरी नहीं कर सकते आप, ठीक है. सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, सिगरेट्स कितना 100, इससे ज्यादा नहीं आप लोगे. सर इससे ज्यादा अगर हमने ले लिया तो क्या होगा? डंप हो जाएगा, जमा हो जाएगा. आपको 100 अलाउड है, 100 से ज़्यादा अलाउड ही नहीं है. समझ में आ रहा है? आगे सिगार्स एक्सीडिंग 25, सिगरेट कितना 100 और सिगार्स कितना 25. टोबैको का लिमिट कितना दिया है 125. देखो आगे के क्वेश्चन में था ये सब चीज़ें, तुम बोल रहे थे क्या है यहाँ पे. सिगार्स कितना है 100, सिगरेट्स कितना, सॉरी सिगरेट्स कितना है 100, सिगार्स कितना है 25 और टोबैको कितना 125 ग्राम्स, मतलब ग्राम्स. एल्कोहलिक लिकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, 2 लीटर तक अलाउड है, 2 लीटर से ज़्यादा अलाउड नहीं है. गोल्ड और सिल्वर और एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, गले में पहना है, हाथ में पहना है, उसको छोड़ के अगर आप कैरी कर रहे हो तो वो एनेक्शर 1 में आता है, वो आप कैरी नहीं कर सकते. समझ में आया? अंटिलनेस 1 साल से ज़्यादा है तो. समझ में आया? उसके बाद फ्लैट पैनल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या तो लाइटिंग एमिनिटीज, डीकोड, प्लाज्मा टेलीविजन, अगर ये सब चीज़ें तो ये भी आप कैरी नहीं कर सकते. आपके बैगेज में टीवी वगैरह कैरी आप नहीं कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप कैरी नहीं कर सकते. लेकिन आप कैरी करें तो उसका लिमिट दिया, उतना करो, उसके ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते हो. ये आ गया एनेक्शर 1. एनेक्शर 2 में जाते हैं. एनेक्शर 2 रूल नंबर 6 के लिए क्या क्या है? कलर टेलीविजन अलाउड है बट टैक्सेबल वैल्यू के अंदर आता है. वीडियो होम थिएटर टैक्सेबल है. डिश वॉशर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वेरी गुड, कैपेसिटी कितना है इसका 300 लीटर तक अलाउड है और इक्विवेलेंट.
अभी इसके पहले एक सम था 250 लीटर्स, वो हमने लिया था, 300 लीटर तक अलाउड है। ये आपके बैगेज में मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आप कैरी कर सकते हो। उसके अलावा डीप फ्रीजर है, वीडियो कैमरा और अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सच वीडियो कैमरा विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, नेमली टेलीविजन रिसीवर, साउंड रिकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग अपैरेटस, वीडियो रिप्रोड्यूसिंग अपैरेटस, सिनेमेटोग्राफी फिल्म अप टू 35 mm, मतलब ये ना रील का साइज होता है, वो 35 mm तक कैरी कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कैरी नहीं कर पाओगे। गोल्ड और सिल्वर एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, ये भी आपको बोला गया है, ठीक है। एनेक्स्ट्रा थ्री में ये ऐसे ही गुड्स हैं जो आपको गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट अलाउ कर दिया है, आप कैरी करो। एनेक्स्ट्रा वन अलाउड नहीं है, एनेक्स्ट्रा टू के कुछ लिमिटेशंस है, इतने अलाउड है, इससे ज़्यादा कुछ भी अलाउड नहीं है। एनेक्स्ट्रा थ्री आपको अलाउड है, कैरी करो आप। जैसे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर और वीडियो टेलीविजन रिसीवर और वीडियो कैसेट्स, ये सब अलाउड है। डिजिटल वीडियो, म्यूजिक सिस्टम, एसी, माइक्रोवेव ओवन, वर्ड प्रेस मशीन, फैक्स मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब आप कैरी कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो आप बाय पोस्ट, आप इंपोर्ट कर सकते हो, आपके साथ बैगेज में नहीं आएगा बट आप पोस्ट से मंगा सकते हो ये सब चीज़ें। तो ये आपके एनेक्सर वन टू और थ्री है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर ये याद होता तो आपको बैगेज का रूल क्लियर हो जाएगा। अब एक बंदा है, एक सम दिया गया, देखते क्या दिया है। मिस्टर सुजॉय, एन इंडियन एंटरप्रेनर, वेंट टू लंडन टू एक्सप्लोर द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन 1st of April 2016। हिज वाइफ ऑल्सो ज्वाइंड हिम इन द लंडन आफ्टर 3 months। पहले खुद गया, 3 महीने का बीवी को भी बुला लिया कि आ जा तू भी मेरे को ज्वाइन कर ले। द फॉलोइंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय देम विद द कस्टम अथॉरिटीज ऑन द रिटर्न ऑफ द इंडिया। मतलब वो 1 तारीख को जाने के बाद 2016 में, 1 साल के बाद इंडिया में रिटर्न हुआ है। 1st April 2016 में गया तो मार्च में 1 साल खत्म हो गया ना 17 में, बट आया कभी 15 अप्रैल, मतलब 1 साल के बाद आया है। तो इधर अगर ज्वेलरी लाएगा तो ज्वेलरी का रूल एप्लीकेबल होगा। यूज ऑफ पर्सनल इफेक्ट, अरे सर पर्सनल इफेक्ट नहीं आता है। म्यूजिक सिस्टम, 2 म्यूजिक सिस्टम 50,000 का लाया उसने, ज्वेलरी भी लाया है सुहोक ने कितने का, 48,000 का 20 ग्राम, और उसकी वाइफ ने भी ज्वेलरी कैरी किया 96 40 ग्राम का, ठीक है। विद द रेफरेंस ऑफ द बैगेज रूल 2000 डिटरमाइन कितना उसको पे करना है टैक्स। देखो एक सिंपल सा भाषा है, अब ये बहुत सारा थियोरी वियरी दिया हुआ है बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पर्सनल इफेक्ट है, इग्नोर होगा। 2 म्यूजिक सिस्टम है कितने का, 50,000 रुपये का ईच, ऐसा बोला है क्या? हाँ जी, वर्थ ईच बोला है, तो दोनों को 50,000 एक एक सिस्टम तो अलाउड है। तो अगर मैं दोनों का कैलकुलेशन देखने जाऊँ, यहाँ पे दोनों का कैलकुलेशन ले लेता हूँ मैं, अगर ये वाला समझा ना, ध्यान दो यहाँ पे। कौन है भाई ये? जॉय, सुजॉय और उसकी वाइफ, सुजॉय इज वाइफ, बराबर। पर्सनल इफेक्ट आएगा नहीं बट म्यूजिक सिस्टम तो आएगा, 50,000 50,000, बराबर। ज्वेलरी आने वाला नहीं है, और कुछ लाया क्या इस बंदे ने? नहीं। आपको कितना अलाउड है? 50,000 अलाउड है। कुछ टैक्स आएगा क्या इसको? इज देयर एनी टैक्स? नो। बस ये भाषण में वही लिखा है, एज पर रूल नंबर 3 द बैगेज रूल, एन इंडियन रेसिडेंट अराइविंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार शैल बी अलाउड अ क्लियरेंस ड्यूटी आर्टिकल इन हिज बोनाफाइड बैगेज दैट इज टू से द यूज अप टू रुपीज। कितना वैल्यू? 50,000 तक अलाउड है। हाँ जी अलाउड है ना, तो यहाँ पे हमको उसको कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत है क्या? आप पूरा पढ़ना, ज्वेलरी का भी टेंशन नहीं है और इसका भी टेंशन। इन लोग ने भाषण में वही लिखा है बट मैंने आपको सिंपली एंड शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, उन लोग के आगे के एक्सप्लेनेशन में भी यही सब लेक्चर में उन लोगों ने यही लिख के दिया है। देखो, हाउएवर द ज्वेलरी अलाउंस एप्लीकेबल ओनली टू पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। भाई ये 1 साल से ज़्यादा था इसलिए उसको भी अलाउड किया गया है। क्लियर है? मैंने शॉर्ट में वो चीज़ पहले एक्सप्लेन की थी, उन लोगों ने थियोरी में पार्ट में एक्सप्लेन करके रखा है। और कुछ है क्या भाई क्वेश्चन? चलो देख ले। हाँ दिया है, और एक क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान देते हैं। आफ्टर विजिटिंग US फॉर अ मंथ, 1 महीने के बाद मिसेस ए एंड मिस्टर एक्स, इंडियन रेसिडेंट एज 40-45, इज्जत से, ब्रॉट टू इंडिया अ लैपटॉप कंप्यूटर वैल्यू ₹80,000, यूज पर्सनल इफेक्ट वैल्यू ₹90,000 एंड पर्सनल कंप्यूटर ₹52,000, व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी पेबल? क्या क्या हुआ है? 1 महीने के बाद आ गया, लैपटॉप कंप्यूटर वैल्यू कितना? 80,000 का लैपटॉप लाया है। पर्सनल इफेक्ट कितना लाया है? 90,000। पर्सनल कंप्यूटर कितना लाया है? 52,000 का। लैपटॉप के ऊपर तो टैक्स नहीं आएगा, पर्सनल इफेक्ट पे टैक्स नहीं आएगा,
लेकिन जो कंप्यूटर है 52,000 का, उसके ऊपर टैक्स आएगा। बट गवर्नमेंट ने कितना अलाउड किया गया इंडियन रेसिडेंट को, 50,000। तो 50,000 माइनस हो जाएगा 52,000 में, तो कितना बचेगा 2,000। तो 2,000 पे कितना टैक्स चार्ज होगा, 38.5। अरे बात समझ में आ गया। चलिए अब ये लेस देन वन मंथ है, अगर ये 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के बीच में होता तो 60,000 का डिडक्शन भी क्लेम कर सकता था। बट ये 60,000 का डिडक्शन क्लेम करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे लोगों ने कैलकुलेट, हाँ जी यहाँ पे किया, देखो 52 माइनस 50 2,000, इसके ऊपर उन्होंने 38.5 चार्ज किया, कितना 770। भाषण लिखा है मैंने, बट एट द एंड वही चीज़ है। क्लियर है बैगेज का रूल पक्का? चलिए देखते हैं, और एक क्वेश्चन दिया गया। हाँ जी वही आपको आपके भाषा में लिखने का है, आपको लॉजिक तो अभी समझ में आ गया है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देने का। What is the relevant date for determination of the rate of duty under Customs Act 1962 in the cases of the clearance of baggage? As per the Section 78 of the Customs Act 1962, the relevant date for determination of the rate duty in case of clearance of baggage is the date in which declaration is made in respect of such baggage. अब सवाल है, कौन से डेट को बैगेज का क्लेम किया जाता है, कौन सी तारीख को? जिस दिन मैं आऊँगा उसी दिन क्लेम करूँगा। ऐसा नहीं कि ना मैं आज आ रहा हूँ भाई, 2 दिन के बाद आता हूँ क्लियरेंस के लिए, सामान रख तेरे पास, ऐसा रख सकता हूँ क्या मैं? नहीं। तो जिस दिन मैं अराइव हो रहा हूँ वही डेट मेरा डेट ऑफ क्लियरेंस बन जाता है। बात समझ में आया? द डेट ऑन विच डिक्लेरेशन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बैगेज। ओके, और कुछ है क्या भाई? हाँ, और एक सम आ गया है। देवेंद्र एन इंडियन एंटरप्रेनर वेंट टू चाइना टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन 5th of April 2018. The foreign detail regarding the imports are submitted by him with the custom authorities on the return of his India on 2019. भाई ये एक साल से ज़्यादा की बात आया है, 2018 अप्रैल में गया था और इंडिया में कभी आया? 20 नहीं नहीं एक साल के अंदर ही आ गया है, विद इन ईयर आ गया है। अप्रैल 2018 में गया और फेबरवरी 2019 में, मतलब लेस देन अ ईयर में आ गया। दो म्यूजिक सिस्टम लाया है उसने, एक का वर्थ है 23,000। ज्वेलरी लाया है तो ज्वेलरी का डिडक्शन उसको क्लेम नहीं कर सकता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हिज एलिजिबिलिटी वेदर द रिगार्ड्स फॉर द ड्यूटी इज गिवन टू। चलिए देखते हैं। देखो रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या है, उसने लैपटॉप लाया हुआ है, कितने का लैपटॉप लाया था उसने, सॉरी किधर गया, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लाया, कितने का? 23,000। तो 23,000 इंटू 2 करो कितना आ जाएगा, 46,000 प्लस 49,000 का आपने सोना चांदी लाया, तो 46 प्लस 49 कितना आ रहा है, 46 प्लस 49 90 95,000। देखो 46 प्लस 49 95,000 हो गया, बराबर है। अब क्लेम कितना कर सकता है, 50,000 प्लस 60,000 कितना है, 3 महीना और 6 महीने से है, तो ये अप्रैल में गया था, बट 6 महीना नहीं, ये एक साल के अंदर आ रहा है, मोर देन 6 एंड 1 ईयर। तो इसे एक तो 50,000 का क्लेम मिलेगा, 50,000 का क्लेम मिला, वैल्यू कितना हो गया 45,000, इसने 45,000 के ऊपर कितना चार्ज कर दिया, 38.5। अब ये जो बंदा है, हाँ रुको, तो बिजनेस पर्पज के लिए गया था, पहले लाइन पे दिया था ही वेंट फॉर बिजनेस पर्पज, रेसिडेंस पर्पज के लिए नहीं। कोई भी इंडियन रेसिडेंट बाहर जाता है घूमने के लिए और फिर 2-3 महीने के अंदर रिटर्न आ रहा है 6 महीने, तो उसको रूल नंबर 6 एप्लीकेबल है, इसको रूल नंबर 6 एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ देखो यहाँ पे ज्वेलरी का तो उसने नोट लिख के दिया और कुछ भी नहीं। अच्छा खत्म भी हो गया क्या आज? हाँ अच्छा ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अभी पक्का। तो आज के लिए बैगेज भी क्लियर करता हूँ। अब टैक्स के अंदर आपका क्या बचता है, तो टैक्स के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट है पेमेंट। पेमेंट जो है वो आपका कौन सा है, तो ITC का पेमेंट वाला है। ITC मतलब आउटपुट माइनस इनपुट करके ख़त्म कर देने का है, ठीक है। उसके अलावा थियरी बचता है, मैंने ऑलरेडी थियरी के क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए, FA का भी, CA का भी, टैक्स का भी और FM का भी, उतना थियरी का प्रिपरेशन कर लो आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।